The question is x की power 3 plus x square plus x plus 1 into dy over dx is equal to 2x square plus x and the value of y is equal to 1 when x is equal to 0, and we have to find out the solution for the given differential equation. So let's see how we are going to solve this problem. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूँ और क्वेश्चन हमारे पास है विच इज x रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स के. और ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि y की वैल्यू 1 के इक्वल है जब x आपका 0 है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए क्वेश्चन के फॉर्मेट को अगर आप चेक करें तो यहाँ पे इजीली ये नोटिसेबल है कि हम लोग अगर इसमें वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम लोग इजीली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे. तो द सेम आई एम डूइंग हियर. हम लोग इसे लिख सकते हैं विच इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1. मैंने यहाँ पे ये कॉमन ले लिया है एक्स स्क्वायर और लास्ट के दो टर्म तो एज सच है विच इज एक्स प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ इंटू डी वाई एंड दिस इज इक्वल टू एक्स यहाँ से कॉमन लिया है और ये बनेगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स के. सो नाउ इफ आई विल यूज द वेरिएबल सेपरेशन दिस एक्सप्रेशन विल बिकम दिस इज डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स के. और अभी हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे. अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा तो लेफ्ट में आपको लिखना होगा इंटीग्रल डी वाई और राइट साइड में ये बनेगा एक्स इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स के. नाउ चेक इट कि ये जो राइट हैंड में एक्सप्रेशन है और अगर आप इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो आपको इसके लिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करने पड़ेंगे. तो चलिए पहले गिवन एक्सप्रेशन को पार्शियली ब्रेक करते हैं फ्रैक्शंस में. सो द मेथड इज एक्स इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के. और अब मुझे यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए ये पार्शियली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. देखिए अगर मैं गिवन इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि इसे लिखा जा सकता है x 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है और राइट में आप इसे लिखेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के. अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर आपके सेम है तो जस्ट कंपेयर द न्यूमरेटर पार्ट. तो जब आप न्यूमरेटर पार्ट को कंपेयर करेंगे तो x इंटू 2x प्लस 1 ये आपके पास बराबर होगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 के. और अभी कुछ नहीं करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b एंड c फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. और इसके लिए सबसे पहले मैं x को -1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, है ना. अगर अपन x को -1 से रिप्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल जाएगी. हम लोग इसे लिख पाएंगे कि -1 इंटू -1, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है और यहाँ पे a इंटू 2 और प्लस 0, क्योंकि ये टर्म आपका 0 बनेगा तो इसलिए ये एंटायर वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू आपको मिल जाती है 1/2 के, लेकिन स्टिल b और c की वैल्यू निकालना बाकी है. और b और c की वैल्यू निकालने के लिए नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं गिवन एक्सप्रेशन में बोथ साइड एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ. अगर आप लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात करें तो आप देखेंगे कि जब x को आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2 के इक्वल, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द लेफ्ट हैंड साइड. और राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपका a बनेगा विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मिलना चाहिए bx को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको b मिलेगा. सो दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू 2 और यहाँ से b की वैल्यू अगर अपन निकालें तो b की वैल्यू हमें मिलने जा रही है 3/2 के. तो आप देख सकते हैं कि हमने ए निकाल लिया है, हमने बी निकाल लिया, लेकिन स्टिल सी की वैल्यू निकालना बाकी है। तो चलिए सी पे काम कर लेते हैं। देखिए सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक अब नए टर्म को कंपेयर कर रहा हूं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। अगर एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो आप लेफ्ट साइड में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलेगा वन। एक्स के कोएफिशिएंट की बात करें तो ये आपका वन के इक्वल है। राइट साइड में यहाँ तो कोई एक्स का टर्म है ही नहीं, और इन दोनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट आपको मिलेगा बी प्लस सी के। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वन और बी की वैल्यू आपके पास 3/2 है, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकल आती है एंड सी इज योर -1/2 के। तो फाइनली हम ए निकाल चुके हैं, बी निकाल चुके हैं और सी भी निकाल चुके हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और सी की वैल्यू हमारे पास है -1/2 के। अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास था इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल दैट इज एक्स into 2x + 1 dx divided by you can check it is x plus 1 into x² + 1 के। और आपने इसे लिखा था इंटीग्रल डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू 2x + 1 ओवर x + 1 इंटू x² + 1 को पार्शियली आपने दो पार्ट में डिवाइड करके लिखा था a अपॉन x + 1 dx प्लस इंटीग्रल dx प्लस c ओवर x² + 1 dx के। तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, a और b की वैल्यू हम लोग सबमिट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट में आपके पास dy है, आप चाहें तो इंटीग्रेट करके इसे y भी लिख सकते हैं, लेकिन आई एम जस्ट यूजिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो देखिए a क्या है, a आपके पास है 1/2 इंटीग्रल dx ओवर x + 1, ये आपका पहला टर्म है। और बी और सी की वैल्यू अगर मैं सबमिट करूं तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं, ये बनेगा 3x - 1 / 2 इंटू x² + 1 इंटू dx के। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा पार्ट बाकी नहीं है, हमें केवल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसे थोड़ा परफेक्ट फॉर्म में ले आता हूँ। लेफ्ट साइड में अब आप चाहें तो इसे वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डीवाई का इंटीग्रल वाई होता है। ये आपके पास है 1/2 इंटीग्रल dx ओवर x + 1 द नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास है 3/2 इंटीग्रल x ओवर दैट इज x² + 1 dx, और अगले टर्म को आप लिखेंगे -1/2 इंटीग्रल dx ओवर x² + 1 प्लस कॉन्स्टेंट के। तो चलिए in the next step we can write it y is equal to dx upon x + 1 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल होता है log mod of x + 1 के। यहाँ पे इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा 3/2, दिस इज 3/2 इंटू 1/2 log mod of x² + 1 के। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस फंक्शन को इजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे, और इसके लिए आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, आप x² + 1 को t लेट कर लीजिए, और जब आप dx को dt में कन्वर्ट करेंगे तो ये फंक्शन आपको मिल जाएगा, मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रल आपको मिल जाएगा। ये आसान काम है, आप खुद से भी कर पाएंगे। और यहाँ पे ये मिल रहा है -1/2, और dx ओवर x² + 1 को आप लिख सकते हैं tan 1 x + c के, विच इज द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x² + 1 के। नाउ चेक इट अगेन, हम लोग इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 log mod of x + 1 प्लस 3/4 log mod of x² + 1 माइनस 1/2 tan 1 x + c। अब चलते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशन पे। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको ये दे रखा है कि जब x की जगह 0 है तो y की वैल्यू आपको 1 मिलती है। तो चलिए कंडीशन यूज कर लेते हैं, मीन्स व्हेन x इज योर 0 then value of y is your 1। तो ये बनेगा 1 = now it is 1/2 log 0 + 1 जो कि log 1 बनेगा, जो 0 के बराबर होता है, अगेन 3/4 log mod of 0 + 1 that is 0 + 1 का mod माइनस 0 + c के। अब आप देख सकते हैं कि ये टर्म भी आपका, ये तो 1 है, ये टर्म आपका 0 बनेगा क्योंकि log 1 0 होता है। ये भी आपका जीरो है, ये भी आपका जीरो है और ये C, तो C की वैल्यू आपको 1 मिल चुकी है। अभी कुछ नहीं करना है, ये C की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में यूज करिए और उसके बाद हम लोग एक फर्दर मैनिपुलेशन और करेंगे। सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 + x प्लस 3/4 लॉग मॉड ऑफ x² + 1 माइनस 1/2 tan 1 x प्लस 1 के। नाउ चेक द नेक्स्ट लाइन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन में अगर आप फर्स्ट टर्म को चेक करें तो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो y इज इक्वल टू 1/4 को आप स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन ले सकते हैं और ये बनेगा 2 लॉग मॉड ऑफ x + 1 प्लस 3 लॉग मॉड ऑफ x² + 1 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 टर्म से ही आपने 1/4 कॉमन लिया था, और ये माइनस के 1/2 tan 1 x प्लस 1 के। नाउ यू कैन चेक इट, दिस इज y इज इक्वल टू 1/4। अब ये जो 2 प्रोडक्ट में है और यहाँ पे ये जो 3 प्रोडक्ट में है, आप इसे पावर में यूज कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग द प्रॉपर्टी लॉग m⁴ को आप लिख सकते हैं n लॉग m के। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट में डाटा है आप इसे पावर में यूज कर सकते हैं, तो ये बनेगा, दिस विल बिकम लॉग x + 1 का होल स्क्वायर लॉग x + 1 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा लॉग x² + 1 का होल क्यूब दैट इज ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 1/2 tan 1 x माइनस 1/2 tan 1 x प्लस 1 के। नाउ चेक इट। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी हम लोग लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं लॉग m प्लस लॉग n की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि बीच में प्लस भी है, ठीक है, और वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम दैट इज लॉग m प्लस लॉग n। ये आपके पास बराबर होता है लॉग m इंटू n के, यानी कि ये बनेगा y इज इक्वल टू 1/4 लॉग नाउ इट इज x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 1 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 tan 1 x plus 1, and finally this is a solution for the given differential equation.